अवैध वसूली से परेशान ट्रक मालिकों ने पूर्व मंत्री का किया घेराव। रीवा जिले में हो रहे अवैध वसूली से परेशान ट्रक मालिकों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर पहुंचकर घेराव किया है। ट्रक मालिकों का कहना है कि कोविड 19 बीमारी फैली हुई है, कई माह से लॉकडाउन रहा है, अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है और वाहन मालिकों से जिले की यातायात पुलिस एवं थानों की पुलिस द्वारा अवैध एंट्री वसूली की जाती है। यातायात पुलिस एवं थानों की पुलिस द्वारा ट्रक, हाईवा, डंपर इत्यादि का रेट फिक्स किया गया है। पुलिस द्वारा अवैध रूप से पैसे की मांग की जाती है, ना देने पर झूठे मुकदमे तैयार किए जाते हैं। इनका कहना है कि वाहनों का किस्त एवं खर्च चलाने की समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा की जा रही अवैध वसूली से वाहन मालिक हताश हो चुके हैं। ट्रक मालिकों ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि रीवा जिले की पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर दलालों के माध्यम से वाहनों से वसूली की जाती है और नहीं दिया जाता तो यातायात पुलिस वहां पहुंचकर ट्रकों को अपने कब्जे में ले लेती है। आपको बता दें कि 40 से 50 हजार रुपए की मांग की जा रही है। ऐसे में ट्रक मालिक किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। ट्रक मालिकों ने इस दौरान कई थाना प्रभारियों सहित यातायात पुलिस के नाम भी उजागर किए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनका। ये हमारी ये पूरा रीवा ट्रक एसोसिएशन है, हमारी मांगे ये है कि हम लोग काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं पुलिस और यातायात से। यातायात और पुलिस के द्वारा सारी मतलब एंट्री फिक्स की गई है, रेट डंपर का, दशटेरा का, ट्रक का, सबका, ट्रैक्टर टाली, बीच में समझिए जो बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं जो दलाली करते हैं कि मतलब गाड़ी बेचते हैं, 500-200 रुपए कमीशन पाते हैं, उनकी तक एंट्री फिक्स की गई। तो हम इससे काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे ज़िले में ये अवैध रूप से वसूली चल रही, हम चाहते हैं कि ये वसूली बंद हो। माननीय विधायक जी इसको संज्ञान में ले पूरा मामला और इसमें मार्गदर्शित करें हम लोगों को आगे क्या करें। अगर ये एंट्री नहीं बंद कराई जाएगी तो हम सभी ट्रक मोटर मालिक जितने हैं हम अपनी अपनी गाड़ी कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को सौंप देंगे और चाबी देके चले जाएंगे कि भाई आप चलवाओ, आप किस्त दो, हमको कुछ नहीं करना। कौन लोग ले रहे हैं पैसे? यातायात और हर थाने का टीआई, हर थाने का, चाहे वो सिटी कोतवाली हो, चाहे वो बिछिया हो, चाहे वो सिविल लाइन हो, चाहे वो चौराहा हो, गोविंदगढ़, रामपुर नैकिन, पिपराव चौकी, मझौली, जोगी पहाड़ी वाला का नाम होगा मुकुंदपुर, मतलब जहाँ से रेत आती है, जहाँ से गिट्टी आती है, मतलब हर जगह हर रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे पहले कहीं एसपी सर से शिकायत किए हैं आप लोगों को? इससे पहले नहीं किए थे हम लोग, अभी हमारा ये यूनियन बना है और हम लोग इसकी शिकायत माननीय विधायक जी के माध्यम से कर रहे हैं। पिछले साल किए थे लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मैं सिद्धार्थ सिंह बघेल, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जो है एपी सिंह। अगर सिटी कोतवाली थाना ने हाथ दिया है तो एपी सिंह का कैलकुलेटर एक निकलता है जिसकी स्टार्टिंग होती है 42,000, 50,000, मतलब 42,000, 50,000, मतलब जैसे हम घर बेच के इनको पैसा दे। और कोई बात नहीं करेगा, बात करेगा तो मारते भी है, भेड़ के मारे मुकदमा, फर्जी मुकदमा कायम कर देंगे। और अभी एक ड्राइवर को जबरदस्ती लेके गए थे और उनके खिलाफ 151 का मुकदमा दायर किए। और यही हाल ट्रैफिक थाने का भी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, मेरे को आप ये बताओ कि यातायात का कार्य क्षेत्र क्या है? रीवा शहर है, आप शहर का यातायात देखो, गोविंदगढ़ जाते हैं पूरे यातायात वाले, वो दिलीप तिवारी हो गए, प्रमोद शुक्ला हो गए, ये सब यातायात वाले वहाँ रात पूरी रात जाएंगे, गोविंदगढ़, बघवार, आपके छुया घाटी में मतलब लग जाएंगे, ड्राइवर का फोन छीन लेंगे, फोन बंद कर लेंगे और वहाँ से गाड़ी लेके आएंगे रीवा और यातायात में खड़ी कर लेंगे। आज हमें सिर्फ प्रशासन शासन ये बता दे कि क्यूबिक मीटर में होगा या टन में होगा, यदि टन में होगा खदान में कांटा लगवाएं, सभी मोटर मालिक बाड़ी के अंडर लोड लेके आएगा, बाड़ी से अंदर टन आएगा तो हम बाड़ी के अंदर बालू लेके आएंगे, टन के हिसाब से करेंगे, हर खदान में कांटा लगवाएं, प्रशासन द्वारा मापदंड नहीं चलेगा। मैं प्रवेश पांडे, जिला मीडिया प्रभारी सीधी से हूँ। पिछले साल से हम लोग ये अंडरलोड के लिए काफ़ी प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जो हमें मेन दिक्कत आ रही, हम लोग एक्चुअली रेत का परिवहन करते हैं, रेत के परिवहन में जो हमें समस्या आ रही है हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से पूरे शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।
माइनिंग विभाग क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमें रॉयल्टी देता है परिवहन करने के लिए 14 क्यूबिक मीटर के लिए। पुलिस हमें क्यों परेशान करती है ये भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। 14 क्यूबिक मीटर की हमारे पास रॉयल्टी रहती है गाड़ी में कि 14 क्यूबिक मीटर हम परिवहन कर रहे हैं मटेरियल, लेकिन RTO ट्रैफिक पुलिस जो है वो टन्स में गाड़ी का काटा करती है। तो मैं प्रशासन से और शासन से ये निवेदन करूंगा कि हमें पहले मापदंड क्लियर करे कि हमें टन में ले जान देगी रॉयल्टी या क्यूबिक मीटर में। जब 14 क्यूबिक मीटर माइनिंग की रॉयल्टी हमें दी है तो हमें ट्रैफिक पुलिस हो, सिटी कोतवाली पुलिस हो, कोई भी तहसीलदार हो, SDM हो, कोई भी अधिकारी हमारी गाड़ियों को हाथ दे देता है तो और पैसे लेता है, इल्लीगल पैसे मारता है, कांटा करवाता है। जब हम बाड़ी के बराबर मटेरियल लिए हुए हैं तो क्यों उसको ओवरलोड कहा जाता है और इस ओवरलोड के नाम में अवैध वसूली क्यों हो रही है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय पूर्व मंत्री शुक्ला जी, आदरणीय जोगा साहब, आदरणीय इलैया राजा टी कलेक्टर साहब से अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे साथ में ये पूरा ट्रक एसोसिएशन खड़ा है, हम निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, अदरवाइज हम बाध्य होंगे कोई भी कड़ा निर्णय लेने के लिए। यातायात विभाग या पुलिस विभाग आपका ट्रक पकड़ता है जी, चालानी कार्रवाई करता जी, है तो उसमें क्या उल्लेख करता है, रसीदे देता है, किस तरह चालानी कार्रवाई? एक्चुअली चालानी कार्रवाई गाड़ी रात को पकड़ा, सुबह तक गाड़ी में 10,000, 12,000, 20,000 जिससे जो भी लिया गया उसको लेके गाड़ी छोड़ के 5,000 रुपए की पर्ची काट देता है। अब हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम क्यूबिक मीटर में माल लेके आते हैं 14 क्यूबिक मीटर, लेकिन ये जब पकड़ेंगे गाड़ी या गाड़ी रुकाएंगे तो ये टन्स में कैलकुलेट करेंगे। तो माननीय खनिज मंत्री मध्य प्रदेश शासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम ट्रक यूनियन वाले क्या करें, उसका आप जवाब दीजिए, अन्यथा हम बाध्य होंगे, चक्का जाम करेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का एक सपना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस आवास योजना के लिए हम घर घर रेत का परिवहन करके पहुंचा रहे हैं, हम इतनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और शासन प्रशासन हमको इतना परेशान करके रखा है कि हम बाध्य होंगे कड़ा निर्णय लेने के लिए, आत्मदाह करने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय पूर्व मंत्री महोदय से कि हमारी बात को सुने, संज्ञान में ले और उसका फैसला करवाएं कि हम करें क्या आगे। 50 लाख रुपए की एक गाड़ी लिए, 1 लाख रुपए मंथली उसकी EMI है, 3,000 रुपए गाड़ी में नहीं बचता, हर थाने की एंट्री फिक्स है, 5,000 कहीं पे 4,000 रुपए फिक्स है, तहसीलदार का फिक्स है, सबका फिक्स है, आखिर हम करें क्या, हम जानना चाहते हैं शासन से प्रशासन से सबसे जानना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश शासन ने इनको इतना अधिकार दे दिया है कि यदि गाड़ी की रॉयल्टी है 1 टन भी उसमें ज्यादा है वो क्या करते हैं 379 का मुकदमा दर्ज करते हैं मोटर मालिक के ऊपर। क्या हम चोर हैं? यदि हम परिवहन कर रहे हैं अवैध रेत का हम परिवहन नहीं कर रहे हैं, वैध रेत का हम परिवहन कर रहे हैं, हमारे पास रॉयल्टी है तो क्या हम चोर हैं कि हमारे ऊपर 379 जी? रीवा के मोटर मालिक देंगे। मैंने पूर्व में भी इन सबको निर्देश दिया हुआ है और कुछ लोग गाड़ियां पकड़ते हैं तो मैंने स्पष्ट किया कि गाड़ियां पकड़ी जाती है तो तत्काल खनिज विभाग को सूचित किया जाए यदि कोई गलत है तो, यदि नहीं है तो गाड़ी को बिल्कुल न रोका जाए, अगर कहीं भी इस तरह की गलती पाई जाएगी तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की किसी भी गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे।